the misperception theory and the non neutrality of money ye students humne last module mein ye baat discuss ki thi ki empirical evidence ye show karti hai ki money is not neutral jabki rbc ke mutabik money is neutral. तो अब money की जो non-neutrality है इसको कैसे हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे उस मॉडल को कैसे एक्सटेंड करें कि वो इसको इनकॉर्पोरेट करें सो so, इस इस कॉन्टेक्स में एक थ्योरी है जिस पर आज हम बात करेंगे मिस थ्योरी। इन द क्लासिकल मॉडल मनी इज न्यूट्रल सिंस प्राइस एडजस्ट क्विकली क्लासिकल मॉडल में मनी न्यूट्रल क्यों है कि प्राइसेस दो तरह के हमने सप्लाई कर पड़े थे ना लॉन्ग रन सप्लाई कर्व शॉर्ट रन सप्लाई करव शॉर्ट रन सप्लाई कर वो था जिसमें प्राइसेस फिक्स हैं और लॉन्ग रन में प्राइसेस एडजस्टेबल होती हैं एडजस्ट कर जाती हैं क्विकली सो क्लासिकल तो कहते हैं कि प्राइसेस फ्लेक्सिबल है इसलिए वो जो शॉर्ट रन आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व था वो इेलीवेंट था ओनली वर्टिकल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो रेलिवेंट है क्योंकि प्राइसिस क्विकली एडजस्ट प्राइस कर जाती हैं

बट इफ प्रोड्यूसर्स मिस परसीव द एगरीगेट प्राइस लेवल दैन द रेलिवेंट एग्रीट सप्लाई कर विन द शॉर्ट अन इज़ नाट वर्टिकल सो ये मिसप्रसेप्शन थियोरी ये कहती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइसिस के बारे में दे डोंट हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देव इम परफेक्ट इंफॉर्मेशन उसकी बेसिस पर जो प्राइसिस के बारे में जो वो मिसप्रसीव करते हैं उसकी वजह से फिर अभी हम देखेंगे कि कैसे जो सप्लाई कर्व है वो फिर वर्टिकल नहीं रहता है शॉर्ट टर्म में दिस हैपन्स बिकॉज प्रोड्यूसर्स हैव इम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनरल प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल के बारे में इन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों है इसलिए कि वो वहरा प्रोड्यूसर को ये तो पता है कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी प्राइस तो उससे वास्ता पड़ता है उसके बारे में तो वो क्लियर है लेकिन बाकी जो प्राइसेस हैं उसके बारे में उसका फ्रीक्वेंटली उससे वास्ता नहीं पड़ता इसलिए उसके बारे में वो उसका वो क्लैरिटी नहीं है उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है एज द रिज़ल्ट मिस इंटरप्रेट चेंजेज इन द जनरल प्राइस लेवल एज चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइस तो उसके नतीजे में फिर उसके पास वो मिस इंटरप्रेट करता है कि उसकी जो प्राइस चेंज होती हैं उसको वो समझता है कि ये जनरल प्राइस लेवल इससे डिफरेंट है सो दिस लीड टू ए शॉर्ट अन एग्रीगेट सप्लाई कर दैट इज़ नॉट वर्टिकल बट प्राइसिस स्टिल एडजस्ट रेपडली तो इसमें हमारे पास शॉर्ट अंड एग्रीगेट सप्लाई कर आता है अभी हम देखेंगे वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है लेकिन कैनिडियन केस में तो वो हॉरिजेंटल था इसमें वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है लेकिन ये पॉजिटिव उसका स्लोप इस वजह से नहीं है कि प्राइसेस स्लोली एडजस्ट कर रहे हैं वो इस वजह से है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है और वो जनरल प्राइस लेवल के बारे में दे हैव मिस परसेप्शन सो द मिस परसेप्शन थ्योरी इज दैट द एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सप्लाइड राइज अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन द एग्रीगेट प्राइस लेवल पी इज हायर देन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल कि प्रोड्यूसर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस लेवल क्या है अगर एक्चुअल प्राइस लेवल उस एक्सपेक्टेशन से हाई होगा तो वो आउटपुट में इजाफा कर देंगे और आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ जाएगी तो इस तरह से पॉजिटिवली स्लोप्ट आपके पास शॉर्ट एंड सप्लाई कर्व हो जाएगा इसलिए कि उन जो एक्चुअल प्राइस लेवल है और जो उनका एक्सपेक्टेड है वो उससे डिफरेंट है और हायर है सो दिस मेक्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड इसको एक एग्जाम्पल से ये बात में बेहतर समझ आ जाएगी अ बेकरी डैट मेक्स ब्रेड की एक बेकरी है और उसका जो ऑनर है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो ब्रेड बनाते हैं और यही उसका सोर्स ऑफ इनकम है ब्रेड की जो प्राइस है वहीं से उसकी वेज भी डिटर्मेंट होती है सो द प्राइस ऑफ ब्रेड इज़ द बेकरस नॉमिनल वेज एंड द प्राइस ऑफ ब्रेड रेलेटिव टू द जनरल प्राइस लेवल विल डिटर्मन द बेकरस रियल वेज कि ब्रेड की जो प्राइस है उससे उसकी नॉमिनल वेज डिटर्मेंट होती है और ब्रेड की जो रिलेटिव प्राइस है रिलेटिव प्राइस कैसे है? कि ब्रेड की प्राइस को जब आप जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड करेंगे तो ये रिलेटिव प्राइस हो जाएगी यहाँ से फिर उसकी रियल वेज डिटर्मन हो जाती है इफ द रिलेटिव प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेस द बेकर में वर्क मोर एंड प्रोड्यूस मोर ब्रेड जब ब्रेड की रैलेटिव प्राइस में इजाफा हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगा उसकी रैलेटिव उसके रियल वेज में इजाफा हो जाएगा ना ये उसके रियल वेज को डिटर्मन हैं तो जब हमने पढ़ा है कि जब वेज में इजाफा होता है तो लेबर सप्लाई में इजाफा हो जाता है तो इस वजह से यानी ब्रेड की प्राइस में इजाफ़ा हो रियलेटिव प्राइस में इजाफा हो रेलेटिव प्राइस में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से उसके रियल वेज में इजाफ़ा हो रहा है और वो ज़्यादा काम करेगा सो इफ़ द बेकर कैन नॉट ऑब्जर्व द जनरल प्राइस लेवल एज इजीली एज द प्राइस ऑफ ब्रेड ही आर शी मस्ट एस्टिमेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ ब्रेड सो वो उसको जैसे आपको बताया है कि वो उससे ब्रेड की प्राइस का तो बारे में से क्लैरिटी है लेकिन जनरल प्राइस लेवल के बारे में उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो उसको वो कैसे एस्टिमेट करेगा इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड प्राइज इज़ फाइव परसेंट एंड द बेकर थिंग्स इन्फ्लेशन इज आल्सो फाइव परसेंट देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस रलेटि देर इज़ नो चेंज इन द बेकरस लेबर सप्लाई कि उस बेकर की जो प्रोडक्ट है ब्रेड उसमें फाइव परसेंट इजाफा होता है और उसके ख्याल के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो भी फाइव परसेंट है तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव प्राइस तो चेंज नहीं हुई तो इसलिए वो अपनी लेबर सप्लाई भी चेंज नहीं करेगा वही आउटपुट रहेगी बट सपोज द बेकर एक्सपेक्ट्स द जनरल प्राइस लेवल टू राइज बाई फाइव परसेंट बस सी इज़ द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजिंग बाई एट परसेंट कि उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जी इन्फ्लेशन रेट फाइव परसेंट है लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में एट परसेंट इजाफा हो गया सो so, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी उसकी वो समझेगा कि मेरी रियल वेज बढ़ गई है तो वो ज़्यादा काम करेगा तो इससे ब्रेड की जो प्रोडक्शन में उसमें इजाफा हो जाएगा इसी बात को हम जनरलाइज कर दें अगर तमाम लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन फाइव परसेंट होगा लेकिन उन प्रोड्यूसर्स की आउटपुट की प्राइस में एट परसेंट उसमें इजाफ़ा हो जाता है तो वो तमाम लोग फिर दे विल वर्क मोर

और एक्चुअल प्राइस में जो इजाफा होता है वो उससे कम होता है थ्री परसेंट इजाफा होता है तो इसके नतीजे में उनकी वो दे विल वर्क लेस एंड आउटपुट कम हो जाएगी सो so, ये इसी सारी बात को इस इक्वेशन की मदद मतलब से हम इसको एक्सप्लेन समझ सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं सो वाई इज़ द एक्चुअल आउटपुट वाई बार इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ओके पी ई इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड पी इज this P is the actual price level. B is some positive number. Okay. So P, if this actual price level is minus expected, अगर ये parenthesis में जो है, अगर ये number positive है, positive कब होगा? जब actual price level ज़्यादा है expected से. तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा? कि actual output will be B is also positive number. तो actual output जो है, वो फिर उसमें इजाफा हो जाएगा. ठीक है इस बात को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई इज़ द एक्चुअल आउटपुट वाई बार इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ठीक है सो पी माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ये अगर पॉजिटिव है यानी एक्चुअल प्राइसिस में इजाफा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रहा है तो इसके नतीजे में जो आउटपुट है उसमें इजाफा हो जाएगा वाई विल इनक्रीज क्योंकि बी बी क्या बी एक्चुअली रिस्पोंड है कि प्राइसिस जब बढ़ती हैं तो आउटपुट उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ये जितना ज़्यादा नंबर होगा इसका मतलब उसको उतने स्ट्रांगली वो रिस्पॉन्ड कर रही सो so, ये मिसपरसेप्शन थ्योरी को ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रही इन द शॉर्ट रन द एग्रीगेट सप्लाई कर स्लोप्स अपवर्ड एंड इंटरसेक्ट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर एट पी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं इस सारी बात को ऑरिजेंटल एक्सेस पर हम वाई ले रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर प्राइस लेवल ले रहे हैं ठीक है है ये फुल लेवल ऑफ आउटपुट जिस पर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करो आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड है 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 ये सपोज एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ठीक तो अगर एक्चुअल प्राइस लेवल भी यही है तो इकोनॉमी आपकी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एक लिब्री में होगी लेकिन अगर एक्चुअल प्राइस लेवल इससे ज्यादा हो जाता है अभी इक्वेशन में जैसे हमने देखा था तो फिर क्या होगा लोग ये समझेंगे प्रोड्यूसर ये समझेंगे कि उनकी उनकी रियलेटिव प्राइसिस में इजाफा हो गया तो वो आउटपुट में इजाफ़ा कर देंगे और अगर एक्चुअल प्राइस लेवल इस एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से कम है तो आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम हो जाएगा तो इसके नतीजे में हमारे पास एक पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ रहा है तो ये शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई करो इसलिए नहीं आ रहा कि जी प्राइस स्लोली एडजस्ट कर रही है इसलिए आ रहा है कि लोग मिसपरसीव कर रहे हैं ठीक है कि जनरल प्राइस लेवल के बारे में उसकी मिस परसेप्शन है जिसकी वजह से वी आर गेटिंग दिस पॉजिटिवली एग्रीगेट सप्लाई कर ओके थैंक यू